सब लोग गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ऐसी मालूमाती वीडियो जो गेज मशीन के हवाले से आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगी। जैसे कि आप सब लोगों के घरों में इस किस्म की गेज मशीन होती है, अरसे के बाद इन गेज मशीनों में ये मसला आता है कि ये बहुत ज़्यादा शोर और वाइब्रेशन करना शुरू कर देते हैं। दूसरा मसला इसके अंदर ये आता है कि जो उसका प्रेशर होता है गैस खींचने वाला, वो बिल्कुल बिल्कुल ही कम हो जाता है। अमूमन कस्टमर हमसे ये शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारे जो मशीन चल रही होती है हमारे में गैस नहीं आता, हमारे पड़ोसियों के वहाँ गैस आ रहा होता है। तो ये दो फॉल्ट, एक बहुत ज़्यादा शोर और दूसरा जो मशीन का प्रेशर कम हो जाता है, इस हवाले से वीडियो है। तो पहले तो मैं दिखाता हूँ आपको ये इस गैस की मशीन के अंदर मसला क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये गैस मशीन है हमारी। इसके अंदर मसला ये है कि अगर हम इसको स्टार्ट पर चला रहे हैं तो ये आवाज़ नहीं कर रही और ना ही इसके अंदर प्रेशर है। अगर हम इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाते हैं तो इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर जो शोर आ रहा है वो हम लोगों को डिस्टर्ब करता है। जो अमूमन किचन में खवातीन काम कर रही होती हैं उन्हें से प्रॉब्लम होती है। अच्छा, सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं होती, इसके अंदर जो इसका प्रेशर होता है, तो प्रेशर जो इस गैस मशीन का प्रेशर होता है वो प्रेशर ख़त्म हो जाता है। इस वजह से भी लोग अक्सर हमसे शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारे वहाँ गैस नहीं आ रहा और हमारे पड़ोस में गैस आ रहा है, तो हमें नई मशीन दे दें। तो आपको नई मशीन देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको उसका तरीका बताएंगे। इस तरीके से ये गैस मशीन आप अपने घर पे खुद सही कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये देखें, हमने सबसे पहले जो है, जो इसके ये दो कान होते हैं, इन दोनों कानों से हमने स्टार्ट लेना है। सबसे पहले मैं इसका जो पहला कान है वो खोलने जा रहा हूँ। कर लिया, ये इसकी पैकिंग है। और अब हम जा रहे हैं, इसका दूसरा कान अलीहदा कर लिया। अब हमारी बारी है इसके, जो इसको देखें, इसकी ये बोगियाँ हैं, ये इसकी बोगियाँ खिलाती हैं। और ये जो है इसके बोगी के ऊपर ये पैकिंग लगी हुई है, उसके स्क्रू हम खोलेंगे। ये देखें, ये हमने पैकिंग हटा दिया और हम इसकी सील को अलहदा कर लेंगे। देखें, ये बोगी कहलाती है और ये बोगी हमारी सही है, बोगी कहीं से डैमेज या फटी हुई नहीं। अक्सर इनका भी मसला आता है, ये बोगियाँ फटी आती हैं या कड़ी आती हैं, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है प्रेशर वगैरह की और शोर की। तो ये देखें, हमने इसका मैगनेट ये अलहदा कर लिया, ठीक है। ये मैगनेट आपको नज़र आ रहा होगा, कैमरा करीब करें आप, ये इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो ये हमारे काम का नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी दूसरी बोगी को भी, हम दूसरी बोगी का स्क्रू हम खोलेंगे और ये दूसरी बोगी भी हम अलहदा कर लेंगे। देखिए, मैग्नेट बिल्कुल ख़राब हो चुका है, मतलब बिल्कुल डेड हो चुका है। हमने अब ये करना है, इसका मैग्नेट चेंज करना है। और हमारे जो दोनों मसले हैं, प्रेशर के और जो हमारे पास बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, जो इसकी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, वो हमारी सही हो जाएगी। सही मैग्नेट है वो हमारा ये मैग्नेट है, और जो हमारा ख़राब हुआ था वो ये मैग्नेट है। अच्छा, इस ख़राब मैग्नेट की निशानी ये है कि इसमें जगह जगह गैप आ गया। अब इस कैमरा थोड़ा करीब लाएं, देखें इसके अंदर ना गैप आ गया बहुत सारी जगहों पे, ना साइडों में गैप आ गया। प्लस यह मेरे हाथों को चेक करें, ये कार्बन रिड्यूस कर रहा है, तो ये किसी काम का नहीं है। और हमारा ये जो सही मैग्नेट है, ये हम इसके अंदर लगाएंगे और जो हमारे दोनों मसले हैं, एक वाइब्रेशन का, शोर का, और दूसरा जो सकिंग का होता है गैस खींचने का, ये दोनों मसले हमारे इसके लगने से हल हो जाएंगे। तो आइए मैं बताता हूँ किस तरीके से लगेगा। अगर इस कैमरा करीब लाएं, देखें इसकी ये जो तीन टांगे होंगी, इनके अंदर हमने इस बोगी को बिठाना है। अच्छा, बिठाते हुए हमने ख्याल ये करना है कि ये जो इसकी, ये करीब कैमरा करीब मिला, इसकी ये एक निशानी है कि इस साइड से हमने उस तरीके से लगाना है। एक नोकीली सी एक साइड हैगी, वो साइड हमेशा नीचे आती है, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से इस बोगी को इस प्लास्टिक की जो पैकिंग है उसके अंदर हम लगाएंगे। ये देखिए, हमने ये लगा दिया, उसके बाद हम स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को टाइट कर लेंगे। एक तरीका इसका ये होता है कि हम इस मैग्नेट को इसके अंदर रख के ये सब सामान बाद में भी लगा सकते हैं, पर वो तरीका ज़्यादा कारामद नहीं है, ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से हम जो है आसानी से इस मैग्नेट की सेटिंग कर सकते हैं, जो तरीका मैंने आपको बताया है। तो प्रॉपर तरीके से हमने बिठा लिया,
अब हम जा रहे हैं दूसरी बोगी बिठाने के लिए। तो उसके लिए देखें, ये जो इसकी प्लास्टिक की पैकिंग है ये इस बोगी के अंदर ही लगी हुई है, तो मैं इसको इस ग्रिप के अंदर बिठा के इसको एडजस्ट कर लूँगा। देखें ये हो गई सेट, और अब हम लगाने जा रहे हैं इसके अंदर ये प्लास्टिक की पैकिंग। देखें यहाँ तक हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अपने इसकी स्क्रू लगाते हुए इसका ध्यान रखना है कि कोई स्क्रू लूज नहीं रहा है। अगर कोई एक ही स्क्रू भी आपका लूज रह गया तो ये इसके प्रेशर में कमी आ जाएगी। तो आपने सब स्क्रू को टाइट करने के बाद एक मरतबा फिर रीचेक करना है कि आया कोई स्क्रू हमारा लूज़ तो नहीं रह गया। अगर एक स्क्रू भी आपका लूज़ रह गया तो इसका प्रेशर फूट जाएगा। तो देखें ये चेक करें, मैंने पहला जो कान है इसका वो लगा दिया। अब मेरी बारी है दूसरे कान की। तो दूसरे कान को लगाने से पहले जो इसकी ये सील होती है इसको मैं इसके अंदर बैठाऊँगा कान में, और उसके बाद हम आएंगे इस मशीन में दूसरे हिस्से में। देखिए चेक करें, अभी हमने इसकी जो मैग्नेट है जो ये ख़राब हो गया था हमने चेंज कर दिया, और हम जा रहे हैं इसकी चेकिंग करने के लिए कि हमने जो काम किया है तो उसमें हमें कितनी कामयाबी मिली है, और ये प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा जो हमने काम किया है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस मशीन को, जो मैं आपको बोर्ड में लगा के चेक करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क कर रही है। ये देखें आप, ये मशीन जो है मेरी कैमरा करीब लाया है, बस ये मशीन की मेरी फुल स्पीड है और इसी तरीके से स्पीड इसके स्लो है। रिपेयरिंग करने से पहले हमने जो आपको दिखाया था तो वो कैमरा करीब लिया। ये देखें ये वो 5 या 6 नंबर पर ही इतनी खतरनाक किस्म की इसके अंदर वाइब्रेशन थी, और अब देखें बिल्कुल फुल स्पीड पर चल रही है, और इसका प्रेशर भी आप चेक कर सकते हैं। प्रेशर की आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं अपनी उंगली इसके ऊपर लगा के हटा रहा हूँ, तो प्रेशर भी इसका बेहतरीन हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो वर्क लगे कलम से ये कंप्लीट हो गया है। और तंगी मजीद वीडियो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अपलोड करूँगा, और ये जो वीडियोस मैं आपको बना रहा हूँ ये अपने दोस्तों तक आप लाजमी शेयर करें ताकि उनकी भी मालूमात में इजाफा हो। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।